हम तो अभी अभी आए, अभी तो कोई नहीं है जी, पता नहीं कब तक आते सर। तो सुना आपने, लोग अस्पताल में इलाज के लिए डॉक्टरों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ना तो डॉक्टर है ना ही अस्पताल में कोई सुविधा। यकीन ना हो तो ये तस्वीरें देखिए। जी हाँ, ये ग्वालियर के दीनदयाल नगर में बना 30 बिस्तरों वाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ ना तो पलंग है, ना ही इक्विपमेंट्स हैं और ना ही कोई दूसरी सुविधा। इतना ही नहीं, डॉक्टर्स भी नहीं है, ना ही नर्सिंग स्टाफ है। बिल्डिंग में खिड़कियां नहीं है तो टॉयलेट में गेट तक नहीं लगे हैं। जहां ऑपरेशन थिएटर है वहां कबाड़ रखा है। और इसी अस्पताल का 26 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकार्पण कर दिया। लोकार्पण के बाद लोगों को लगा कि अस्पताल तो शुरू हो गया, लिहाजा मरीज पहुंचने भी लगे, लेकिन मायूसी ही हाथ लगी। और द सूत्र ने जब अस्पताल इंचार्ज मनोज रजौरिया से बात की तो उनके मुताबिक अस्पताल को पूरी तरह से शुरू होने में कम से कम एक महीने का समय लगेगा। अभी क्या है, पूरा मैनेजमेंट कर रहे हैं, सामान भी शिफ्ट कर रहे हैं, बिजली कनेक्शन भी करवा रहे हैं, है ना। ओटी भी यहाँ की खाली पड़ी हुई है। ओटी में वो तो अभी सामान आएगा, इसमें तो अभी लग जाएंगे, महीना भर लग जाएगा इसके अंदर, है ना। अभी तो जिले से ही सारा सामान आएगा। अच्छा अच्छा, है ना। ओटी भी आएगा, डिलीवरी भी चालू होंगी अभी, मतलब 15-20 दिन तो मान के चलो आप। अभी तो सिर्फ ओपीडी चलेगी जब तक सामान नहीं आ जाता और डॉक्टर्स नहीं आ जाते, स्टाफ की कमी है, स्टाफ चाहिए भी, उसके बाद ही सब। हाँ। अभी हम लाइन पे लाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए ये सारी चीजें। इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को दीनदयाल नगर की 2 लाख लोगों की आबादी के लिहाज से बेहतर सुविधा बताया जा रहा है। जिस समय इसका लोकार्पण हुआ तो दावा किया गया कि अब लोगों को मुरार जिला अस्पताल या JAH नहीं जाना पड़ेगा। अस्पताल में 10 बिस्तरों का ICU बनाने की भी कवायद है। बहरहाल प्रशासन ने ये पहली बार नहीं किया है, इसके पहले भी अधूरी मल्टी लेवल पार्किंग का सिंधिया के जरिए लोकार्पण करवा दिया था। करीब एक हफ्ते बाद ये पार्किंग शुरू हो पाई। ग्वालियर में क्या ये प्रशासन की लापरवाही है या फिर लोकार्पण की सियासत या नगर निगम चुनाव से पहले की कवायद, जो भी हो, लेकिन लोग तो यही पूछ रहे हैं कि आखिरकार इतनी जल्दी क्या थी लोकार्पण की।